हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र बारंगे, बायोलॉजी फैकल्टी। आज आप लोगों को हम फिफ्थ चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस बताऊंगा। अभी तक हम फोर चैप्टर खत्म कर चुके हैं, है ना। अच्छा, कुछ बच्चों के ने बोला था, हाँ ठीक है, आज हम लोग कल क्लास ये नहीं कर पाए थे, दरअसल कुछ प्रॉब्लम्स के कारण बाहर चले गए थे। चलिए, आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो क्या हम आज फिफ्थ चैप्टर देखेंगे? वैसे हम एक बार मैं शॉर्ट में यहाँ पर रिवाइज कर दूँ क्या क्या चीज़ें हम आगे हो चुकी है, है ना। तो हम लोग यहाँ पर रिपीट कर चुके हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर हम फर्स्ट यूनिट एंड कर चुके हैं। सेकंड यूनिट हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। बता दूँ कि भाई हमको यहाँ जो भी नोट्स मैं बता रहा हूँ, जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं, ये मेन इसीलिए चला रहा है कि भाई जो फाइनल एग्जाम है ट्वेल्थ के, उसमें आप लोग अच्छे नंबर ला सको, उसमें आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, इसीलिए हम यहाँ पे ये क्लासेस चला रहे हैं ना। तो ये क्लासेस चलाने का मेन रीजन ये भी है कि अभी जो बार बार पैटर्न वगैरह चेंज हो रहा है, तो इसके कारण काफी बच्चे कंफ्यूज है। मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या चीजें हमको ऐड करनी है अपनी स्टडी में, किस तरह के क्वेश्चंस ऐड करना है, किस तरह के ऑब्जेक्टिव हमको तैयार करना है, हमको क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसका किस तरह से आंसर लिखना है, इस सब के बारे में बताऊंगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा यहाँ पे स्कोर कर सको, ज्यादा से ज्यादा यहाँ नंबर ला सको। हम कल ही एक और चीज के बारे में बात करेंगे कि भाई हम टाइम शेड्यूल हमारा यहाँ पे कैसे डिसाइड करें, हम क्या टाइम शेड्यूल हम बनाए जिससे हम यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं कल आपको बायो का टाइम टेबल सेट करके बताऊंगा कि अगले जो 60-70 दिन बचे हुए हैं ना, अब ये टाइम टेबल के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस मंथ में एग्जाम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे भाई किस तरह से हमको हमारा स्टडी प्लान करना, इस बारे में मैं कल बताऊंगा, है ना। तो अपने जो भी फ्रेंड्स लोग हैं उसको हमारे यूट्यूब चैनल जो बायोलॉजी बाय डी वारंगी है उसको सब्सक्राइब करा दो, यूट्यूब चैनल जो बायोलॉजी बाय डी वारंगी है उसको भी ज्वाइन करा दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लासेस पहुँच सके, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मटेरियल हम प्रोवाइड करवा सके, ज़्यादा उनको गाइड कर सके कि अच्छे नंबर्स ला सके। दूसरी चीज़, नेक्स्ट सेशन जो आने वाला है जून से, है ना, 2022 के लिए, उसकी क्लासेस 10th of June से स्टार्ट होंगी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारी क्लासेस जो रहेंगी मेन सिटी में हमारे रहेंगी, कनकश्री में नहीं रहेंगी। कनकश्री में सिर्फ GNST और PNST की क्लासेस लगेंगी कॉम्पिटिशन एग्जाम की। कनकश्री जो सेकंड है, एक और हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर रहेंगी, जो हमारा है राउत भवन के पास में, कनक कंप्यूटर में, ठीक है, कनक कंप्यूटर के जस्ट सामने कनकश्री एक और है, और कनक कंप्यूटर में हमारी कुछ क्लासेस जो बायोलॉजी की क्लासेस है वो वहाँ पर कंडक्ट होंगी। दूसरी चीज बेटा, जिसको भी मुल्ताई के जो लोकल हो, वो लोग अगर DCA PGDCA करना चाहते हैं तो अभी एडमिशन ओपन है, तो वो भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। फिर जो वीडियो की PDF हम यहाँ पे नोट्स की बात कर रहे हैं, तो नोट्स बेटा आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दूसरी चीज, आप लोग कुछ अच्छी बुकें रेफर करना चाहते हैं तो वो बुकें भी मैंने यहाँ पर सजेस्ट करी हुई, बुकें आप यहाँ पे यूट्यूब की आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें उसके लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, इतनी चीज़ें हैं बेटा, बहुत अच्छे से ये चीज़ों को ध्यान रखिए, है ना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो फिफ्थ चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ये स्टार्ट करते हैं ना।